वेरी गुड आफ्टरनून क्लास टू. टुडे इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट EBS एंड योर चैप्टर बोन्स एंड मसल. इसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए थे, उसके दो या चार टॉपिक और हमारे बचे हुए हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे. पहला जो टॉपिक है हमारा जॉइंट्स है. तो आपकी बॉडी जो है उसके अंदर आप देखते हो बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आप अपनी तरह तरह के मूवमेंट्स कर सकते हो. वो मूवेबल होती हैं आपकी बोन्स. तो जहाँ पर आपके दो बोन्स आपस में अटैच्ड होती हैं एंड आप उसको मूव आउट कर सकते हो उसको आप जॉइंट बोलते हो. ठीक है, दो बोन्स जहाँ पर कनेक्ट होती हैं उनको आप क्या कहते हो, जॉइंट्स. और जो एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होती है किस चीज़ से, एक ग्लू लाइक थिंग होती है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं. तो वो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है बट ठीक है, पता होना चाहिए. द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर दे आर कॉल्ड जॉइंट. ठीक है, जहाँ पर दो बोन्स मिलेंगी, ये एक बोन नंबर वन है और बोन नंबर टू है, मान लीजिए यहाँ पर मिल रही हैं. जहाँ पर ये मीट होंगी यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट आराम से हो सकती है. तो इसको आप क्या कहते हो, जॉइंट्स. अब जॉइंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, एक जॉइंट तो है नहीं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. देखिए कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, चलिए मैंने थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दिया आपके लिए. पहली चीज़ आपका एल्बो का जॉइंट, आपकी जो कोनी है इसको आप आराम से मूव कर पाते हो. यहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं आपकी, ठीक है, इसीलिए एल्बो जॉइंट है. ये आपकी नेक का जॉइंट है जो यहाँ पर पाया जाता है, सर्वाइकल, ठीक है. और रिस्ट आपकी, आपकी रिस्ट जो है ये वाला जॉइंट भी एक, यहाँ पे भी आपकी दो बोन्स मीट कर रही हैं तो आपका ये रिस्ट का जॉइंट हुआ. हमारी बॉडी के अंदर दिख नहीं रहा है आपको शायद, ने वीडियो में देखा, थोड़ा सा कम एनलार्ज करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक अभी सही होगा तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, जहाँ पे दो बोन्स मीट होती हैं, दो बोन्स मीट हो रही हैं, दो बोन्स मीट हो रही हैं, यहाँ पे दो बोन्स मीट हो रही हैं, इसको आप क्या कहोगे, जॉइंट कहोगे. ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन, हमारी पूरी बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी है, हमारी थाई की बोन, थाई हमारी जांघ होती है उसकी बोन, उसका नाम क्या होता है, फीमर. क्या नाम होता है, फीमर नहीं, फीमर, फीमर. और सबसे छोटी बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे कान के अंदर होती है, स्टिपुला नाम होता है. अरे नाम ही आनियन में होता, चलो अभी नहीं आ रहा नाम यार. ठीक है, लेकिन हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है वो, स्टेपीज. ओके, क्या नेम होता है उसका, स्टेपीज. ऐसे दिमाग में आता नहीं है कई बार. तो कान में होती है हमारे, और फीमर जो होती है वो हमारे थाई में होती है. तो सबसे बड़ी बोन हमारे पैर में होती है, जांघ में होती है, और सबसे छोटी बोन हमारे कान में होती है हमारी बॉडी की. मसल्स का मैंने आपको बताया था, 600 मसल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. किस काम में हेल्प करती है, वर्क करने में, मूवमेंट में. अब मसल भी कई तरीके की होती है, ठीक है, ईव मसल, हार्ट मसल, स्टमक मसल. जो ईव मसल्स होती हैं वो काय के काम में आती हैं आपकी, दे हेल्प यू एज फॉर साइट. काय में हेल्प करती हैं वो, आपकी देखने में मदद करती हैं. ये कहाँ पर होती हैं, आपकी आईबॉल को मूवमेंट वगैरह जो कराती हैं वो सब ईव मसल्स कराती हैं. जो आपकी आईबॉल है वो घूमती है, वो जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं मसल्स के थ्रू होता है. हार्ट मसल्स, आपका जो
हार्ट है वो पंप होता है, जो पंप होता है उसके लिए भी कुछ ऐसी मसल्स की ज़रूरत होती है जो मूव करें, ठीक है, तो उनको आप हार्ट मसल्स बोलते हो। एक होती है स्टमक मसल, हेल्प टू पुश द फूड इनटू स्टमक फॉर डाइजेशन। वो काय के लिए हेल्प करती है, आपके जो स्टमक है उसके अंदर फूड को पुश करने के लिए काम में करती है डाइजेशन के लिए, ठीक है, वो स्टमक की मसल्स होती है। एक्सरसाइज क्यों करनी होती है हमको, एक्सरसाइज करने से हमारी जो बोन्स और मसल्स है वो कैसी रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बोन्स तो चेंज नहीं हो सकती, कभी टूट जरूर जाती है एक्सरसाइज करते करते, बट हमारी जो मसल्स हैं उनका हम शेप चेंज कर सकते हैं, लोग सिक्स पैक एट पैक ऐसे बना पाते हैं। तो क्या होता है कि आप अपनी मसल्स को चेंज कर सकते हो, कैसे, बाय एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करके आप अपने मसल्स को चेंज कर सकते हो, लाइक आप मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, आप सिक्स पैक एट पैक जो भी होता है आप बना सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए लोग साइकिलिंग करते हैं, ये देखिए वेट उठाते हैं और बॉलिंग वगैरह ये सब क्या बोलते हैं फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, टेनिस। अच्छा ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वैसा है, टेनिस का है ये, है ना, टेनिस प्लेयर। ये देखिए जिमनास्ट है, जिमनास्टिक करके एक्सरसाइज कर रहा है। स्विमर क्या कर रहे हैं, स्विम करके। फुटबॉलर गेम खेल रहे हैं, देखिए। पोस्चर क्या होता है, पोस्चर हमारी बॉडी का जो राइट पोस्चर है बैठने का उठने का, दैट इज स्ट्रेट पोस्चर, बट एक्चुअली ड्यू टू सो मच वर्क हम लोग क्या होता है बहुत लूजली ऐसे बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो पोस्चर है वो शेप ख़राब हो जाती है। या बच्चे के अंदर पढ़ते टाइम देखिए उनका गलत पोस्चर होता है बैठने का, दिस इज़ रॉन्ग। मेरा सन है वो ऐसे बैठ जाता है, फिर मैं मारती हूँ पीछे, फिर सीधे बैठता है, ठीक है। तो बच्चे का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ वॉकिंग, है ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ सिटिंग, तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ सिटिंग, दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ स्टैंडिंग, दिस इज़ राइट वे ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, वो मैंने आपको कल बता दिया था। जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो बाहर होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन है जस्ट लाइक, वो सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ बचा है बताने लायक। अच्छा हाँ, ये इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन हम कर चुके हैं, ये देख लीजिए, वापस देख लीजिए, ब्रेन आपका इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, फाइन। और एक्सटर्नल ऑर्गन जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, दे आर एक्सटर्नल। तो पॉइंट्स टू व्यू कुछ दिए मैं आपके बुक के अंदर, कलम से क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, पढ़िएगा, थैंक यू।